हजारे चांस में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। अब हम तालबहेड़ नगर पंचायत चुनाव के सियासी अटकलों के बाजार पर आते हैं। और जिस तरह से महज चार दिन बचे हैं, आज है 8 मई, 9, 10, 11, 12, मतलब चार दिन हर दिन बचे हैं। 13 मई को होगी मतगणना। अगर हम प्रत्याशियों पर एक नजर डाल दें तो भाजपा से पुनीत सिंह परिहार, निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें अवधेश कुमार चक्रेजन, कौन किस पर कितना होगा भारी, आज हम सियासी पूरा सियासी समीक्षा करेंगे और अपना पूरा एनालिसिस एक बार फिर से हम जिस तरह से अटकलों के बाजार बदल रहे हैं इसके साथ से हम पूरे हर पहलू से रूबरू कराएंगे। कहीं मत जाइएगा, पूरा एनालिसिस हम आपको सिलसिलेवार दिखाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एग्जिट पोल को भी हमने बताया था कि कौन इसमें आगे दिखाया गया है। हालांकि हमने ये भी बताया था कि यह एक आंकड़े हैं, महज एक आंकड़े हैं। अंतिम निर्णय तो आएगा 13 मई को और उसका है सभी को इंतजार। तब तक कुछ भी सियासी समीकरण, तब तक कुछ भी आप कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, अपने सियासी समीकरण बना सकते हैं, सियासी अटकलें कर सकते हैं। पर एक बार हम इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, हम तीनों प्रत्याशियों के आज हम वजूद की बात करेंगे, कौन कितने पानी में रहा पूरे चुनाव में। तो सबसे पहले बात करते हैं अवधेश कुमार की, निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश कुमार की। अवधेश कुमार के साथ कहीं ना कहीं ब्राह्मण फैक्टर काम करता दिख रहा है। और अगर कहीं ना कहीं ब्राह्मण फैक्टर अवधेश कुमार के साथ काम किया तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अवधेश कुमार की स्थिति बेहतर होगी। और जो आकलन लगाए जा रहे हैं उससे क्या आगे रहेंगे अवधेश कुमार, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर ब्राह्मण फैक्टर, ब्राह्मण चेहरा बन के उतरे थे अवधेश कुमार मैदान में और ब्राह्मणों ने कितना सपोर्ट दिया, जैसे आकलन हो रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जिस तरह से जो सपोर्ट दिया है इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। पर ये कितना हद तक दिया है, या ब्राह्मणों में भी कहीं ना कहीं इस बात का भीतरघात भी हुआ है कि जिस तरह से जो आकलन लगाया हुआ था उससे कम समर्थन अवधेश कुमार को मिला है। इसका फैसला तो होगा 13 मई को, पर अभी अटकलों के जो बाजार हैं कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण फैक्टर जितना अनुमान लगाया था उतना शायद नहीं हुआ। जिस तरह से अगर ब्राह्मण फैक्टर पूरा काम कर जाता है, इस बात से भी इनकार मत करिएगा, अगर ब्राह्मण फैक्टर काम करता है और इसके बाद समुदायों के वोटों में अगर सेंध लगा दी अवधेश कुमार ने तो अवधेश कुमार की स्थिति बेहतर होगी। अब निर्दलीय प्रत्याशी चक्रेजन कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में क्या होगी, इनकी हैसियत कितने, इनके मत आएंगे, आकलन करना अभी तो एक बेईमानी होगा। फिलहाल चक्रेश जैन को जो जैन समाज का वोट बैंक है वो किस हद तक मिलता है, ये भी एक सवाल या निशान है, क्योंकि ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जैन समाज का वोट भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया था। और अन्य समाज का कितना इन्हें सपोर्ट मिलता है, इनकी क्या रहेगी पोजीशन, ये देखने वाली बात है। ये कौन से नंबर पर रहेंगे, कौन से पायदान पर रहेंगे। हालांकि चक्रेश जैन संघर्ष करते हुए पूरे चुनाव में दिखे हैं और इसका इंतजार करिएगा 13 मई को इनकी क्या होगी हैसियत, क्या होगे इनका, इनके जो मेहनत का फल है जो कितना मिलेगा और कितने अंतराल तक, कितने अंकों तक पहुंचते हैं, इस बात पर भी नजर रखेंगे। हालांकि जो एग्जिट पोल बताया हुआ था, हालांकि एक अनुमानित एग्जिट पोल था, उसमें इनके जो मत थे वो हमने बताए हुए थे, वो उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर उस पूरे एग्जिट जो अनुमानित एग्जिट पोल था जो सोशल मीडिया पर वायरल होता है उसको आप देख सकते हैं कि कौन की कितनी, कौन कितने पानी में हो सकता है नहीं हो सकता है। पर अंतिम निर्णय 13 मई को होगा। अब इसके बाद आते हैं पुनीत सिंह परिहार की, जो भाजपा प्रत्याशी हैं, उनकी कहीं ना कहीं इस चुनाव में, पूरे नगर पंचायत चुनाव में हम स्थिति की बात करें तो आज की डेट में वह सबसे सबल दिख रहे हैं। जो हवा भी उनके पक्ष में दिख रही है और लोगों के रुझान है ज्यादातर उनके पक्ष में आए। पर अंतिम मोहर लगेगी 13 मई को, या हम फिर भी कह सकते हैं। पर पुनीत सिंह परिहार जिस तरह से चुनाव लड़े और चुनाव में उनको जो लोगों का समर्थन मिला, मैं सुनने में आए कहीं ना कहीं लोगों ने पानी का हक भी अदा किया है। पुनीत सिंह परिहार को वो प्रेम मिला जिस तरह से उन्होंने समाज सेवा की। हम एक बार फिर से बता दें, विगत नगर पंचायत चुनाव में पुनीत सिंह परिहार रहे थे दूसरे नंबर पर, उन्होंने मुड़ के पीछे नहीं देखा था, तब से समाज सेवा में लग गए थे, ऐसा लोगों का भी कहना है। और लोगों ने कहा है कि जब भीषण गर्मी में उन्होंने पानी पिलाया है
तो इस बात से भी इस बात को भूला नहीं जा सकता। जो एनालिसिस है, जो लोगों की चर्चा निकल के सामने आ रही है कि तालवेट वासियों ने पुनीत सिंह के पानी का हक अदा किया है और कहीं ना कहीं हक अदा होता हुआ दिख रहा है। पुनीत सिंह की स्थिति बेहतर दिख रही है, हवा का रुख भी दिख रहा है और लोगों के रुझान भी जो बात की जा रही है उनमें सबसे आगे जो पहली बात होती है उसमें पुनीत सिंह परिहार की सामने आ रही है, भाजपा प्रत्याशी की सामने आ रही है। और अटकलों के बाजार को चक्र में घूमने के लिए 4 दिन अभी बाकी हैं। फिलहाल अवधेश कुमार के पिता अन्नू अर्जरिया ने आज कहीं ना कमिश्नर के हाथ गुहार लगाई है निष्पक्ष मतदान की और कहीं ना कहीं उनकी जो आशंका है कि कोई गड़बड़ी हो सकती है, पर प्रशासन सख्त है, किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंकाएं नहीं हो सकती। प्रशासन ने शासन के जिस तरह से पुख्ता इंतजाम रहे, चाहे हम मतदान की बात कर लें, चाहे मतदान की बात कर लें, चाहे आगे मतगणना होगी, प्रशासन के इंतजाम इतने पुख्ता है, परिंदा भी पर मारे ये गुंजाइश नहीं है। फिलहाल तालबहट में मतगणना पूरी तरह से निष्पक्ष होगी, प्रशासन आश्वासन दे रहा है। और फिलहाल प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है वो मतदान के समय भी पूरी तरह से निष्पक्ष रही और इस बार भी मतगणना के समय भी निष्पक्ष रहेगी, प्रशासन का दावा है। हालांकि जिस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप ये तो लगते रहेंगे, ये सियासत के एक हिस्से हैं, ये सियासत का एक दूसरा हिस्सा है जिसमें आरोप प्रत्यारोप लगना भी लाजमी है। फिलहाल 13 मई का करिए इंतजार, इससे पहले भी हम अटकलों के बाजार से कराएंगे रूबरू। अगला तालबेहट का होगा कौन नगर पंचायत अध्यक्ष, हमने बताया है पूरा समीकरण, कहीं ना कहीं हमने पूरे समीकरण से कराया है रूबरू। एक बार फिर नजर डालते हैं, भाजपा से होंगे पुनीत सिंह परिहार, भाजपा से पुनीत सिंह परिहार, निर्दलीय अवधेश कुमार, तुम्हें चक्रेश जैन। अब इनमें 3 में कौन होगा तालबेहट का नगर पंचायत अध्यक्ष, किसकी चल रही है हवा और जो हवा चल रही है ये वाकई में सही है, इसका फैसला 13 मई को होगा। आप कहीं मत जाइएगा, क्या ब्राह्मण फैक्टर कर जाएगा काम, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। जो सियासी समीकरणों के बाजार रही तालबेहट में, अटकलों के बाजार चल रहे हैं, इस पर हम पूरा आपको अपडेट दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। और जब तक कि तालबेहट का नगर पंचायत अध्यक्ष कौन बनता है इस पर अंतिम मोहर नहीं लगती है, ये पूरा एनालिसिस हम आपको बताएंगे। और तालबेहट वासी खुद समझ रहे हैं कि अपने नगर पंचायत अध्यक्ष को वो अपनी आंखों से देख रहे हैं पर कह नहीं रहे हैं, देख तो सकते हैं पर कह नहीं सकते, ऐसी भी स्थिति बन जाती है। फिलहाल अंतिम मोहर लगेगी 13 मई को और सस्पेंस रहेगा बाकी कि कौन बनेगा तालबेहट का अगला नगर पंचायत अध्यक्ष। हमारे पूरे अपडेट से रहिए रूबरू, हमारे पूरे अपडेट से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई सियासी अटकलों से, अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।